डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग मैथ में एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्यूशन कर रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से क्लास 10th के लिए। जैसा कि आप जान पा रहे हैं, हम लोग 9.1 के दो क्वेश्चन तक के किए थे। चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में दो गो फिसल पट्टी का मतलब जो पार्क में खेलने के लिए ऐसा फिसलने वाला बच्चों लोगों को नहीं बनाया जाता है खेलने के लिए। शायद आप देखे होंगे, आप खेले भी होंगे उस पर बचपन में, तो उस फिसलन पट्टी बोला जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, एक तरफ सीढ़ी होता है लगाया हुआ और एक तरफ फिसला जाता है, तो फिसला हुआ को बोलते हैं फिसलन पट्टी। तो बोला जा रहा है कि एक ठेकेदार जो है बच्चे को खेलने के लिए पार्क में दो गो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कितना फिसलन पट्टी लगाना चाहती है? दो ठो। एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ऐसी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तथा भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। जी हाँ, हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है कि फिसलन पट्टी बनाना है। तो फिसलन पट्टी का मतलब एक हाइट हो गया और ये हम लोगों को धरती हो गया। ठीक है, ये धरती हो गया और इसी पे टिकाया हुआ है फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी का मतलब जिसपे बच्चे फिसलते हैं। और ये हम लोग बात करते हैं तो ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है, कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी। ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी है। अच्छा, इसको हम लोग बात करें तो अगला हम बनाते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए फिसलन पट्टी। ठीक है, ये 5 वर्ष से अधिक के लिए, तो अधिक वाले में क्या बोल रहा है, देखिए दोनों सिचुएशन समझिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन धरती हो गया, पृथ्वी जिस पर टिकाया हुआ है। ठीक है, तो दो सिचुएशन, दो फिगर इसमें बनेगा। पहला क्या, तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है और दूसरा 5 वर्ष से अधिक उम्र। देखिए यहाँ पे सवाल पढ़िए क्या बोल रहे हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। यानी कि कम वाला बोल रहा है कि शिखर का मतलब ये वाला होता है, शिखर मतलब ऊंचाई का बिंदु, इसका जो हाइट है 1.5 मीटर है और भूमि के साथ जो फिसलन पट्टी है वो 30 डिग्री है। ठीक है, और फिर अगला क्या बोल रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई है और ढाल जो है फिसलन पट्टी लगाना चाहती है वो 60 डिग्री है। यानी कि 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए हाइट हो जाता है 3 मीटर। ठीक है, और कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाता है, ये हम लोगों को बोल रहा है। तो सवाल क्या बोल रहा है फिर अंत में कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। यानी कि प्रत्येक स्थिति का मतलब 5 वर्ष से कम उम्र वाला और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाला का फिसलन पट्टी निकालना है। फिसलन पट्टी तो यही ना है, फिसलने वाला तो यही रास्ता है, यही फिसलन पट्टी हमको क्या करना है, दोनों में निकालना है। अब समझो, अब ये सवाल आपका ख़त्म हो गया। हम हमेशा बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में त्रिकोणमिति के प्रयोग में एक्सरसाइज 9.1 में हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और उसका फिगर बनाना है। दोस्तों अगर आप फिगर बना लेते हैं तो आपका थिंकिंग पावर, थिंकिंग लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन आपने अभी 50% काम कर रखा है। अगर फिगर बना लिया समझ के, अब आपको कैलकुलेशन करना है।
दोस्तों, हम आपको बताए हुए हैं पहले ही चीज कि कोई भी थीटा रहता है ना, उसके सामने का होता है पी। याद रखिएगा, ये क्या हो गया, पी है ना। और हम लोगों को निकालना क्या है एक्चुअली, एच। ठीक है, तो पी का तो हम लोग पहचान का नियम बताए हैं कि जिधर कोण रहेगा, कोण के सामने वाला पी होता है, और जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और ये वाला हम लोगों का बन जाएगा बेस। यहाँ पे भी सामने वाला कोण 60 डिग्री है, तो सामने वाला हो जाएगा पी, और हमको निकालना है एच। दोस्तों, यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि पी का वैल्यू हम लोगों को 1.5 मीटर है, एच का वैल्यू जो है निकालना है, और थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको याद आना चाहिए कि पी और एच में क्या संबंध है। तो हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, कि साइन थीटा बराबर में पी बटा एच होता है। क्यों हम देखो, अब आपको फार्मूला जो 6 फार्मूला लिखवाए हैं बहुत पहले ही स्टार्टिंग में ही, अब आपको ये फार्मूला याद आना चाहिए कि पी का वैल्यू दिया है, एच निकालना है, और थीटा का वैल्यू है। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन भी पहले किए हुए हैं, तो साइन थीटा लगाएंगे क्योंकि पी और एच में यही ना रिलेशन बतलाता है, तो थीटा के जगह पे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर पी का वैल्यू 1.5, और एच निकालना है तो एच का एक छोड़ दिए। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1.5/h। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एच को 1 से गुना करेंगे एच, और 2 को 1.5 से करेंगे 3 मीटर। तो इस तरीके से पहला स्थिति में हम लोग को बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो निकालना है। तो पहला का आंसर कितना होगा, 3 मीटर, यानी कि फिसलन पट्टी इसमें 3 मीटर होगा, यहां से यहां तक 3 मीटर। दूसरा वाला में भी आपको सेम सिचुएशन है, यहां पे जैसे काम किए हैं वहां पे भी आपको वैसे ही काम करना है। यहां पे आप लिख दीजिएगा कि पी का वैल्यू हम लोगों को 3 मीटर है सामने, अरे भाई थीटा के सामने वाला तो पी होता है, पी का वैल्यू 3 मीटर है। एच का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे भी एच का वैल्यू निकालना है, और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। तो आप जैसे हम पहला स्थिति में एच निकाले हैं, आप इसका भी आप एच खुद से निकालिएगा इसी फार्मूला का यूज करके, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। ठीक है, तो थीटा के जगह पे याद रखिएगा 60 डिग्री है, और साइन 60 का भी वैल्यू आपको पता है √3/2 होता है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देख लो भाई, ये बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है कि ये लोगों को हार्ड लगता है, क्योंकि आपको ट्रिगो यानी कि सिंपल वे में बात करें तो ये चैप्टर उसी को अच्छे से समझ में आएगा जिसका 8 चैप्टर का पूरा थ्योरी फार्मूला बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि इसमें बस आपका एक सोच मांगता है, आपका थिंकिंग लेवल को ये चैप्टर सर्च करता है कि आप कितना सोच पाते हैं चीज़ों को। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको फिगर बनाना है। अगर आपने फिगर बना लिया, समझो आपका आधा काम हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, अरे भाई मान लो कि हमारा ये भूमि है, ये जमीन है, देखते चलो भाई, एक एक पॉइंट पढ़ो और आप चीजों को समझो। भूमि के एक बिंदु से, मान लिया ये बिंदु है जिसका नाम ए है, आप कुछ भी ए पी क्यू नाम दे दीजिए, नाम नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। भूमि का ये हो गया हम लोगों का भूमि, जमीन, ठीक है, भूमि के एक बिंदु हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। आप समझो क्या बोल रहा है, कि भूमि का एक बिंदु है, ठीक है, और एक बिंदु है, बोल रहा है कि कहीं मीनार खड़ा है, तो मीनार कहाँ खड़ा रहेगा, हवा में कि धरती पर, सोचो। तो धरती पर ही मान लिया कि यहाँ पे एक मीनार है, समझ रहे, ये हम लोगों को है क्या मीनार, ये हम लोगों को एक मीनार है। और बोला क्या कि भाई भूमि का एक बिंदु है, बिंदु मान लिया ए, और इस बिंदु से मीनार का पाद बिंदु, तो ई हो गया हम लोगों को नीचे वाला, वो ई सब तो ऊपर वाला हो गया मीनार, लेकिन नीचे वाला, मीनार के नीचे वाला को हम बोल सकते हैं मीनार का पाद बिंदु,
है ना। पाद बिंदु का मतलब नीचे और शिखर मतलब ऊपरे, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, रुक जाओ यहाँ, एक बिंदु है भूमि पर और मीनार के पाद बिंदु से ये दोनों के बिंदु के बीच की दूरी हम लोगों को दिया 30 मीटर। समझ में आया? बोला क्या सवाल में कि भूमि का एक बिंदु है, भूमि पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो एक बिंदु हो गया ए, ठीक है, और एक मीनार हो गया मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। चलो आगे पढ़ते हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अरे भाई मीनार का शिखर, तो मीनार का शिखर कौन हुआ, तो ये तो हम लोग मीनार है, तो मीनार के ऊपरे वाला जितना ऊंचा आप बनाइए, फिगर आपके हाथ में बनाना है, तो हम इतना ही ऊंचा बनाए हैं, तो इतना ऊंचा बनाए हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे मीनार का शिखर, ठीक है। तो बोल रहा है कि मीनार का शिखर से उस बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री है। ओह सॉरी मिस्टेक हो गया, फिगर अच्छे से एक ही लाइन आपको पारना है, डबल लाइन नहीं, वो मेरे से मिस्टेक हो गया, आप एक लाइन को ही मिलाइएगा, सीधा लाइन्स, ठीक है, ऐसे। हाँ फिर सवाल क्या बोल रहे हैं, देख लो यहाँ पे, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार का शिखर तो यही ना है, इसी का ना उन्नयन कोण हमको बनाना है कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो भाई मीनार ही ना है, तो मीनार के ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है कि मीनार जो है कितना ऊंचा है, क्लियर। अब आप यहाँ पे देखो समझो कि क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री जब बोल दिया तो सामने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, पी ना भाई, अरे पी ना, क्योंकि थीटा जो है उसके सामने वाला पी कहते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं एच, और ये दोनों को पी और एच हो गया, तो इसको हम लोग बोल देंगे बी। समझ में आया? लेकिन आप चीज़ों को देखो तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एच से कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि बी का ना वैल्यू दिया है, तो यहाँ बी का वैल्यू हम लोगों को दिया 30 मीटर, ठीक है, और पी जो है कुछ करना है निकालना है, और थीटा दिया है 30 डिग्री। तो आप कौन से फार्मूला चलाएंगे, देखो पी और बी में फार्मूला कौन सा है, यही तो हमको सोचना है। तो हम आपको बताए हुए हैं कि टैन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, या फिर कॉट थीटा का फार्मूला होता है बी बटा में पी। तो दोस्तों हम आपको एक आइडिया देते हैं कि जो चीज़ दिया है और जो चीज़ निकालना है उसी चीज़ को लिखना है, एच पर नहीं जाना है हमको, क्योंकि एच से कोई माने मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि हमको बी का वैल्यू दे दिया 30 मीटर और पी का वैल्यू निकालना है, तो जो दिया हुआ रहेगा उसी से ना निकालेंगे। तो बी का वैल्यू दिया है और पी का वैल्यू निकालना है, तो बी और पी में कौन सा संबंध दिखलाता है, तो टेन थीटा या फिर कोट थीटा, तो दोनों में से आप कोई फार्मूला लगा दीजिए, टेन थीटा भी लगा सकते हैं कोट थीटा भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों में पी और बी का यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पे टेन थीटा बराबर लगाते हैं पी बाई बी, हम जानते हैं, आप लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर पी बाई बी, और थीटा का मान कितना रखना है दोस्त, 30 डिग्री इज इक्वल टू पी का मान कितना, तो पी निकालना है तो छोड़ दीजिए, और बी कितना है 30, और टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर में पी बटा में 30, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3 को पी से करेंगे तो √3 पी बराबर में 30, एकम 30, इसलिए p बराबर क्या होगा, तो 30 में √3 से भागा कर देंगे। तो अब आंसर देखेंगे तो 30/√3 नहीं होगा, तो हम अपने से क्या करेंगे, √3 से गुना और √3 से भागा कर देंगे। ऐसा करने से हम लोगों को क्या मिलेगा ऊपर, 30√3 और बेटा √3 √3 का गुना 30, 3, और ये 10 बार में कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 10√3 मीटर।
समझ में आया क्वेश्चन? तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन तक के हम लोगों का हो गया। बहुत सारे लोग सोच पाए हैं आगे की क्वेश्चंस को, तो आपको क्या करना है होमवर्क्स में 5वां और 6ठा क्वेश्चंस को एकदम पढ़ना है और आपका ध्यान अच्छे तरीके से ठंडे दिमाग से सोचना है और इसका फिगर बनाकर दिखाना है, क्योंकि देख लो इस चैप्टर में हम लोगों के लिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिगर सिर्फ बना दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो बना भी सकते हैं, लेकिन फिगर के लिए जरूर ट्राई करना है भाई, गलत हो सकता है। जिंदगी में गलती करना ही आपको सीखने की प्रेरणा देती है, इसलिए आपको क्या करना है 5वां और 6ठे क्वेश्चन को फिगर को ट्राई करना चाहिए, फिगर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको 5वां 6ठा के लिए फिगर को जरूर ट्राई कीजिए कैसे बनेगा, और बाद बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।